डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी, यानी चार स्टेप्स है बेसिकली। तो यहाँ पे पहला पर्सनल डिटेल्स जो हम फिलअप करेंगे केवाईसी इन्फॉर्मेशन से या केवाईसी वेरिफिकेशन के थ्रू, केवाईसी कंप्लीट करेंगे, ऑटो पे सेटअप जो आपका हर महीने जो ऑनलाइन जो है ईएमआई का पैसा आपके बैंक से ऑटोमेटिक कट जाए वो कंप्लीट करना होगा, लास्ट में आपका लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिसके फाइनल प्रोसेस के बाद ही आपका पास आपका पैसा जो है आपके बैंक खाते तक आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले पैन कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स की कह रहा हूँ, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड के आधार पर होना चाहिए, जेंडर आपको चूज करना। तो दोस्तों बहुत स्वागत है लोन पाव यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि कैसे आप इंस्टेंट लोन ले सकते हो। देखो हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म लाइक न्यू लोन एप्लीकेशन, चाहे वो एम पॉकेट हो गया या ब्रांच हो गया या बड़ी एप्लीकेशन हो गए या बहुत सारे ऐसे तमाम लोन प्लेटफॉर्म जहां से आप इंस्टेंट लोन ले सकते हो, उसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियोज दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर देख सकते हो, लोन पाव यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियोज मिल जाएगी उनके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक पेमेंट प्लेटफॉर्म से आप लोग कैसे इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। उस पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम है फोन पे ऐप, और आप देखोगे कि कैसे फोन पे ऐप से इंस्टेंट लोन लिया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सबसे पहले हम उस लोन ऐप से आपको लोन लेके दिखा देंगे। इसके बाद जाके अगर मान लो कि एकदम ऐसा सिनेरियो भी है कि कई सारे लोगों के पास अगर फोन पे ऐप वगैरह, वो फोन पे यूजर्स नहीं भी है, तो उनको मैं बताऊंगा कि कैसे एकदम नए फेज से आप लोगों को कैसे ऑनलाइन लोन को, यानी कि फोन पे ऐप से ऑनलाइन लोन यानी ऑनलाइन पर्सनल लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि कैसे आपको लोन अप्लाई करना है। मैं मान के चलता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना, जैसे मान लो कि जिनका नया अकाउंट है, पहले नए अकाउंट वालों के लिए बता देता हूँ, जिनका नया अकाउंट है सबसे पहले आपको साइन अप करने का प्रोसेस तो पता है, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, ईमेल आईडी डाल के, ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, जो कि आपको बहुत इजी प्रोसेस से पता है कि कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज बताना चाहता हूँ कि हो सकता है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है फोन पे के, उनके जो है उनको कहीं ना कहीं उनकी इन्फॉर्मेशन पता होती है, उनके प्रॉपर चीजें पता रहती है कि अच्छा ये लोन के लिए व्यक्ति अवेलेबल है या एलिजिबल है कि नहीं है। एक तो ये चीज भी है, दूसरा मैनुअल भी होता है जो मैं दिखा सकता हूँ, शायद क्रेडिट स्कोर से पता लग सकता है, या मेनली बात ये है कि अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हो, एकदम न्यू हो, तो थोड़ा टाइम आप वेट कर सकते हो, मतलब 1-2 दिन इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करो, उसके बाद जाके आप रिट्राई कर सकते हो। तो शायद आपको अगर लोन ऑफर, इफ केस अगर आपको लोन ऑफर नहीं मिल रहा तो आपको लोन ऑफर दिख सकता है। चलिए यहाँ पे जिनका अकाउंट ऑलरेडी है और जिनके मतलब जिनको लोन अप्लाई करना है उनके केस में क्या है, देखो यहाँ पे लोन के सेगमेंट पे आप देखोगे तो यहाँ पे काफी चीजें जैसे क्रेडिट स्कोर, बाइक लोन, म्यूचुअल फंड, गोल्ड लोन है। जिनको नहीं पता क्रेडिट स्कोर कैसे यहाँ पे जो है चेक किया जाता है, तो आप पहले क्रेडिट स्कोर पे ऐसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि पैन कार्ड नंबर, पूरा नाम जो आपके पैन कार्ड में है वो, और डेट ऑफ बर्थ, ये आपको एज पर योर तीनों चीज पैन कार्ड में मिल जाएगी आपके, वो आपको डाल के यहाँ पे सिंपल मिलता है गॉट माई क्रेडिट स्कोर, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट स्कोर दिखा देता है जो भी आपकी शो हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैसे लोन लेने का, यहाँ पे हमें लेना है तो क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है होम के बाजू में, एक रुपीज का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, क्रेडिट का ऑप्शन है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट आपको शो हो जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्सनल लोन ऑफ अप टू इतने इतने का, ठीक है। अब इसी की बात मैं कर रहा था कि जिनका अभी स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा है, या फिर वैसे तो दिख जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे अमाउंट का सेगमेंट, तो थोड़ा सा आप टाइम वेट कर सकते हो। जिनके केस में दिख रहा है उनके केस में यहाँ पे गेट मनी इंस्टेंटली भी आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे स्टार्टिंग क्योंकि आपको लोन अमाउंट शो कर रहा है, तो आप लोन अमाउंट यहाँ पे चूज कर सकते हो मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज के लिए, और ईएमआई प्लान्स आपको दिख जाएंगे कि कितने टाइम लाइन के लिए आपको ये लोन मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको अपना लोन अमाउंट और जिस ईएमआई प्लान्स के हिसाब से आपको लोन चाहिए वो चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप ऊपर देखेंगे चार डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी, यानी चार स्टेप्स है बेसिकली। तो यहाँ पे पहला पर्सनल डिटेल्स जो हम फिलअप करेंगे केवाईसी इन्फॉर्मेशन से या केवाईसी वेरिफिकेशन के थ्रू, केवाईसी कंप्लीट करेंगे, ऑटो पे सेटअप जो आपका हर महीने जो ऑनलाइन जो है ईएमआई का पैसा आपके बैंक से ऑटोमेटिक कट जाए वो कंप्लीट करना होगा, लास्ट में आपका लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिसके फाइनल प्रोसेस के बाद ही आपका पैसा जो है आपके बैंक खाते तक आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले पैन कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स की कह रहा हूँ, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड के आधार पर होना चाहिए, जेंडर आपको चूज करना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे आपको जो है चूज करनी है कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके बाद आपकी मंथली इनकम कितनी है, कम्युनिकेशन एड्रेस और बाकी चीजें डिटेल्स के, पिन कोड हो गया या बाकी चीजें जो है आपको ये सब बता के आपको सिंपली आगे बढ़ना है। इसके अंदर इनकम प्रूफ रिलेटेड चीजें होंगी, ऐसे इनकम कितनी हो जाती है या और भी मोर देन चीजें, वो देखिए आपको सिंपली अपनी डिटेल्स जो है प्रोसेसिंग में कर देनी है, यानी जैसे सबमिट करोगे प्रोसेसिंग करेगा आपकी डिटेल्स को, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट प्रोसेस की आपको अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन पे आओगे, अगर ये डिटेल्स सारी दे दोगे। इसके अंदर देखना कोई भी चीज आपकी जो है मिसिंग आउट ना हो पाए, पर्सनल डिटेल्स की मैं कह रहा हूँ। इसके बाद आपको अपनी सेल्फी देनी है, तो टेक अ सेल्फी पे आपको जाना होगा। इसके बाद आपको अपनी सेल्फी क्लिक करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फेस मास्क, चश्मा, टोपी, ये सब आपने ना पहना हो, और ज्यादा फोन के मूवमेंट को आप लोग मत करना, एकदम एकदम सेंटर में और होल्ड करके आपको सिंपली एक अच्छी फोटो को कैप्चर करके अपनी आगे बढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है और वो ये है कि यहाँ पे आपको अपने जो है
डिजी लॉकर से जो है अपनी केवाईसी के जैसे के लिए बेसिकली आधार कार्ड का यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना होगा थ्रू द डिजी लॉकर। तो क्या करना है, कंटिन्यू डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपका 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो डाल के यहाँ पे कैप्चा कोड दिखेगा वो डाल के नेक्स्ट के बटन पे टैप कर देना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार कार्ड से उसको ओटीपी आएगा। इसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सिंपली अलाउ करना है, तब जाके आपको थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। वैसे तो ये ऑटोमेटिक रिटेट कर देगा, ठीक है। जैसे ये फेचिंग कंप्लीट करता है नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट केवाईसी का सेगमेंट मिलेगा। इसमें आपको जो है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन होगी बेसिकली, जिसके अंदर आपको जैसे सेल्फी वेरिफिकेशन जैसी चीजें, इसके बाद आपका जो है पैन कार्ड भी आपको शो करना पड़ेगा और जो भी रिक्वायरमेंट चीजें होगी वो आपको बताई जाएगी। तो आपको कंप्लीट करके यहाँ पे केवाईसी फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे ये वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन के केस में। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप इज ऑटो डेबिट सेट, जो हमने आपसे कहा था कि हर महीने जो ईएमआई का पैसा है वो ऑनलाइन कटेगा। तो यहाँ पे आपको वो चीज कंप्लीट करने के लिए ये चीज करना है, ऑटो डेबिट सेटअप कंप्लीट करना है। और दूसरी बात, जो लोन का पैसा जो आप लोन ले रहे हो इस फोन पे ऐप से, ये पैसा भी आपके इसी बैंक अकाउंट में सेंड किया जाएगा। तो उस बैंक को चूज करना है जिसे आप ये ऑटो डेबिट सेटअप कनेक्टेड करना चाहते हो। अकाउंट नंबर डाल के आईएफएससी कोड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको अपना ऑथराइजेशन करना है, ये डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से करना चाहते हो या नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, जैसे आपकी इच्छा उस हिसाब से कर लेना। नेट बैंकिंग से करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, डेबिट कार्ड से करोगे तो वही जितनी भी डिटेल्स है डेबिट कार्ड के आधार पर देनी पड़ेगी। इसके बाद का फाइनल प्रोसेस है लोन एग्रीमेंट, जो आपको साइन करना पड़ेगा, मतलब आपको ओटीपी के थ्रू साइन इन कर लेना है। साइन करने के बाद जो आपने बैंक डिटेल्स दिए उसमें आपका पैसा प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो ये तो बता दिया मैंने फुल प्रोसेस, जिससे आप बड़ी आसानी से फोन पे एप्लीकेशन से इंस्टेंटली ऑनलाइन पर्सनल लोन ले सकते हो। अब बारी आती है उस चीज को जानने की कि जिनका जिनके पास फोन पे एप्लीकेशन मान लो नहीं है, जो एकदम न्यू कस्टमर के बेसिस पे देख रहे थे, तो वो फोन पे एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, जैसे वीडियो देख रहे हो तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो, प्रोसेस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करके कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही में आप लोन के लेना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जैसे मान लो ये वीडियो वॉच कर रहे हो, वीडियो की जो टाइटल है उस पर जैसे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी सिंपली वेबसाइट लिंक, सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है। तो ये पहुंचेंगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तमाम तरीके की यहाँ पे कैटेगरीज मिलेगी जिसमें, क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन से लोन लिया है, भले वो पेमेंट प्लेटफॉर्म वाली एप्लीकेशन हो बट उसका लोन देना उस एप्लीकेशन का पार्ट एक। तो ऐप लोन पे हम जाएंगे और बहुत सारी एप्लीकेशन का नाम देखने को मिलेगा, तो हमें उसमें सर्च पे आगे फोन पे को सर्च करना है। इसके बाद हमें रिजल्ट्स मिल जाएगा कि फोन पे ऐप से पर्सनल लोन कैसे ले, आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं आप, जहाँ पे आपको की बेनिफिट्स और फीचर्स पता चलेगा कि अगर आप फोन पे ऐप से लोन लेंगे तो यहाँ पे कितनी जल्दी आपको लोन मिल जाएगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितने रुपए तक का मिल सकता है, कितने समय के लिए मिल सकता है, प्रोसेसिंग चार्जेस कितना लगेगा, अलग अलग टाइप के फीसेस जो है वो कितने लगेंगे, या और ऑल ओवर और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो। इसके अलावा कौन कौन से व्यक्ति लोन ले सकते हैं, इसकी एज कितनी होनी चाहिए, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो यहाँ पे कितनी सैलरी उसकी होनी चाहिए इसको लोन मिलेगा, और भी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। इवन की जो हमने लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताया वो भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। करना क्या है आप लोगों को, इस एप्लीकेशन को अपने फोन में पाने के लिए विजिट का लिंक मिलेगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहां पे आके फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सिंपल प्रोसेस है, उसके बाद जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से लोन आप अप्लाई करने का ट्राई करना। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।